हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआरएस एके फार्मेसी में। तो हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज की, और आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल आर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। और आज हम यूनिट फर्स्ट में से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसके अंदर बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू जो है स्ट्रक्चर बेस्ड है, और जिसे हम सारे क्वेश्चन को ओरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते चलते हैं, और आप लोग भी अपना अपना आंसर मैच करते जाइए। और इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एमसीक्यू, इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एंसियोमेरिज्म, डाइस्टीरियोमेरिज्म, मेजर कंपाउंड, आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड, कायरल एकायरल से रिलेटेड, डीएल आरएस सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। तो सबसे पहले आपको कायरलिटी की सारी डिफिनेशन आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो कायरलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने चाहिए। तो सारे कंपाउंड को देखने के बाद हमने बी वाले कंपाउंड को देखा कि इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो रही है, क्योंकि इसको जब हम बी से डिवाइड करते हैं तो दोनों भाग में अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा, इसलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी वाला। ओके, तो कायरल और ये कायरल का एक बार एक्सप्रेशन आप अच्छे से देख लीजिए। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, नॉन सुपरइम्पोजिबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो ए कायरल होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ए सुपरइम्पोजिबल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इतनी डिफिनेशन अगर आपको याद रहेगा तो आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल शोन आर, जो ए मॉलिक्यूल दिया गया है ये क्या शो कर रहा है। तो आप लोग अपना आंसर नोट करिए, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसका। तो ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे का मिरर इमेज है, जब हम एक मिरर में देखेंगे इसको तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉजिबल हो रहा, मतलब अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा। तो ये डिफिनेशन हमारा होता है इनेंसियोमेरिज्म का। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा इनेंसियोमेरिज्म। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इनेंसियोमर और डाइस्टीरियोमर का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इनेंसियोमर जो होते हैं मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉजिबल होते हैं, जो डाइस्टीरियोमर होते हैं वो नॉट मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो ये डिफिनेशन भी आप देख लीजिए, आगे के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंपाउंड शोन गिवन बिलो, यहाँ पर दो कंपाउंड दिए गए, दोनों कंपाउंड को देख के बताइए क्या शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सेम पिछले वाला क्वेश्चन का भी सेम मॉडिफिकेशन है, इसका आंसर होगा राइट आंसर होगा ए इनेंसियोमर। ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या शो कर रहे हैं, इनेंसियोमर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल गिवन बिलो, यहाँ जो नीचे मॉलिक्यूल दिया गया ये क्या शो कर रहा है। तो हम लोग जब इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल जो है नॉट मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो एक कंडीशन किसकी होती है, एक कंडीशन हमारा डाइस्टीरियोमर की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी वाला, विच मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज मेजर कंपाउंड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल मेजर कंपाउंड है। पहली बात, मेजर कंपाउंड के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, मेजर कंपाउंड में टू या मोर एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने चाहिए एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन देखिए इनमें से कौन सा आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा पांचवें का, आपको ए वाला, जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें सारी कंडीशन ए फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट यस वन क्लोरो वन फ्लोरो इथेन। ओके, तो इसका जो आंसर आपको निकालने के लिए आपको एक साइंटिस्ट थे, तीन लोगों ने मिलकर दिया था, इस रूल को कोन इंगोल रूल जिसे कहते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को निकालना। तो पहले हम उस रूल को समझा देते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कोन इंगोल पीरलॉग सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हम आर एस सिस्टम को बताते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सभी जगह पे कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस सारे एटम को एटॉमिक नंबर के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसका नंबरिंग कर लेते हैं। जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर हाइड्रोजन लोवेस्ट ग्रुप वाला जो एलिमेंट है एटम है अगर वर्टिकल है और रोटेट करने पे 1 2 3 वो रोटेट करने पे क्लॉकवाइज आ रहा है तो और कॉन्फ़िगरेशन होगा, और रोटेट करने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो यस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर सेकेंड केस में अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में आ जा रहा है तो 1 2 3 रोटेट करने पे अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो और फॉर्म से हम उसे रिवर्स कर देते हैं, यस फॉर्म में हमारा आंसर हो जाता है। और वही एंटी क्लॉकवाइज में जो हमारा यस कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, और फॉर्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप निकालिएगा, और इसका क्वेश्चन निकल के आएगा 6 का डी वाला। क्वेश्चन नंबर 7,
स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट यस टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें बोल रहा है यस टू ब्रोमो ब्यूटेन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग निकालिए। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन को 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद हम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कौन सा, निचोलेस को 2nd नंबर दे देंगे, ये वाला 3rd नंबर, और इसको हम 4th नंबर देंगे। फिर रोटेशन हमारा कैसे करना है, 1 2 3, तो हमारा जो ये रोटेशन कैसा आ रहा है, 1 2 3, यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या बताया था, और कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, तो आर से रिवर्स होके क्या हो जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम ऐसे सारे क्वेश्चन निकालेंगे आर एंड यस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, 7वें का ए वाला। उसके बाद इनएनसी उमर क्या होते हैं, इनएनसी उमर का कंडीशन हमको पता था, मिरर इमेज होती है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो सारे ऑप्शन में से देखिए जो कंडीशन हो टिक मार दिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर 8 का सी वाला जगह, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पॉसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा। तो कुछ नहीं करना, बी से डिवाइड करो, जिसमें अगल बगल इक्वल पार्ट है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं, जो ना हो एक्सिस सिमेट्री नहीं। तो यहाँ देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री ए भी शो कर रहा, ए भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर रहा, लेकिन इस थर्ड वाले कंपाउंड जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं शो कर रहा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर 3rd वाला, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एन एसिमेट्रिक रिएक्शन इज मोस्ट एक्यूरेट, एसिमेट्रिक रिएक्शन के कौन सी डेफिनेशन मोस्ट एक्यूरेट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए, तो हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं, ए रिएक्शन व्हिच क्रिएट ए न्यू कायरल सेंटर विद सेलेक्टिविटी फॉर वन इनेंसियोमर डायस्टेरियोमर ओवर अनदर, दिस इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू कोर इंगोल्फ लीला ग्रुप। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन वही जो बता रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका टाइम नंबर ज्यादा होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी वाला होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन ग्रुप है। ओके, ये ज्यादा है टाइम नंबर, इसका पूरा पूरा निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 पूछ रहा है विच इज करेक्ट असाइनमेंट ऑफ कायरलिटी ऑफ C2 एंड C3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसे सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे आपको आर एंड एस कॉन्फिगरेशन निकालना है। तो इस तरीके से आप उसी कोहन एंगोल्ट के रूल के अकॉर्डिंग आप निकालिएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सिबिट एनेंसियो मेरिजम, इनमें से कौन सा कंपाउंड एनेंसियो मेरिजम शो कर रहा है। तो एनेंसियो मेरिजम के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसका जो क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, एनेंसियो मेरिजम का डिफिनेशन क्या था हमारा, मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो कंडीशन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए नंबर फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑप्टिकल आइसोमर बाई, ऑप्टिकल आइसोमर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे वो कौन सा होता है, पोलरीमेट्री, पोलरीमेट्री से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन 14 का आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, कार्बन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल कौन होगा, कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके जिस सेंटर पे चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पहला आप देख लीजिए, तो इस पे चारों ग्रुप, यहाँ CH3 अदर ग्रुप लगा, OH अदर ग्रुप है, COOH अदर ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ कायरलिटी, कायरलिटी की डेफिनेशन पूछ रहा, सबको पता कायरलिटी क्या होता है, मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, फिर वैसे हम क्वेश्चन कायरल का कायरल इस कंपाउंड को देखिए और कायरलिटी को पहचानिए। तो कायरलिटी के लिए हम सबसे पहले उस सेंटर पर जाएंगे जहाँ पर हमें कायरलिटी चेक करनी है। तो और इस तरीके से आसानी से हम कायरलिटी चेक करें, कायरलिटी के लिए हमें क्या कंडीशन थी, उसके अगल बगल चारों ग्रुप मतलब डिफरेंट होने चाहिए, जो ग्रुप लगे सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ओनली पहला कंपाउंड ऐसा है जो कायरल मॉलिक्यूल शो कर रहा है। क्वेश्चन 18, सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हमारा नेक्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है इसी पे पूरा बेस्ड होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो सिस एंड ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच सिमेट्री एलिमेंट टेक मेक्स द गिवन कंपाउंड ए कायरल, इनमें से कौन सा सिमेट्री इस गिवन कंपाउंड को ए कायरल बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग देखिए, तो ए कायरल के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल,
फिर वही सेम क्वेश्चन, इनमें से पूछा कौन सा कंपाउंड कायरल है, तो कायरल के लिए आप सारी कंडीशन पीछे पढ़ के हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, बी वाला, ओनली बी वाला कंपाउंड जो है वो कायरल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, द गिवन कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल, क्या रहा क्या नीचे नीचे दिए हुए कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है, तो आप लोग कायरल मॉलिक्यूल का कंडीशन तो पता ही है, इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड 21 का, इसका बी वाला यानी फॉल्स। क्वेश्चन 22, व्हिच सिमेट्री एलिमेंट मेक्स द गिवन कंपाउंड ए कायरल, इनमें से कौन सा सिमेट्री इस कंपाउंड के लिए ए कायरल के लिए है, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये सारे कंपाउंड एक सेंटर से एक दूसरे को मैच करें, जैसे इसका देखिए ये सेंटर पे जाएगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, और ये आपस मैंने सारे जो एक सेंटर से जो सब पे जो सिमेट्री मिले उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन कंपाउंड इज कायरल मॉलिक्यूल, इनमें से कह रहा है क्या नीचे दिए कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है, तो कायरल मॉलिक्यूल का कंडीशन आप लोग पता है, इसका जो राइट आंसर होगा ए, यस ट्रू, गिवन कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल, ए कायरल, इनमें से ए कायरल पूछा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ए कायरल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का ए वाला, जो पहला कंपाउंड है सिर्फ ए कायरल है, बाकी के कंपाउंड कैसे हैं कायरल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, इसमें भी आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी वाला, पहला और जो सेकेंड वाला कंपाउंड है एक कायरल है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर चाहिए, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26, द कंपाउंड व्हिच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस व्हाइल हैविंग सेम एटम बॉन्डेड टू ईच अदर आर सेड टू हैव, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पूरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन ही बता दिया, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिकल एक्टिविटी शोन बाय ए मॉलिक्यूल व्हिच, ऑप्टिकल एक्टिविटी उस कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है जो क्या होते हैं, वो जो सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, यही ना, तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर्ज ऑब्जर्व इन टू टू ब्यूटेन, तो टू ब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें देखिए किस प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें जो हम लोग देखेंगे इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वही से ट्रांस वाला, ओके, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्सिबिट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो 29 का राइट आंसर वही टू ब्यूटीन हो जाएगा, राइट आंसर टू ब्यूटीन कंपाउंड जो स्ट्रक्चर बनाएंगे सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैज, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं, वही कार्बन जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, इसका राइट आंसर देखिए 30 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, फोर डिफरेंट एटम और ग्रुप को एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसमिक मिक्सचर इज इक्वल म्यू मोलर कंसंट्रेशन, रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं इक्वल मोलर कंसंट्रेशन पे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन 31 का राइट आंसर हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएनसीओ में 31 का ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएस नोटेशन द प्रीफिक्स आर एंड एस स्टैंड फॉर, आरएस नोटेशन में आर को क्या कहते हैं, एस को क्या कहते हैं, तो 32 का आप लोग पता होना चाहिए, आर को रेक्टस कहते हैं, एस को सिनिस्टर कहते हैं, तो राइट आंसर देखिए इसका कौन सा होगा, बी वाला, 32 का बी वाला। क्वेश्चन 33, द एटम आर ग्रुप व्हिच आर बिहाइंड द पेन ऑफ पेपर आर शोन बाय, यानी जो पेपर के पीछे हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 33 का राइट आंसर होगा डैश लाइन से, ठीक, तो आप एक स्ट्रक्चर से हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जो बिहाइंड लाइन होता है उसे हम डैश लाइन से देखते हैं, उसके बाद जो प्लेन को होता है ऐसे दिखाते हैं प्लेन को डंडी से, और जो आउट ऑफ द प्लेन उसको हम ऐसे कलर कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रीफिक्स यूज इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ऑक्साइम, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग देखिए, तो इसका ऑक्साइम में जो स्टीरियो आइसोमर का नॉमेनक्लेचर में हम क्या यूज करते हैं, 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिन और एनटी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट प्लेन टू राइट लाइट इन ए काउंटर क्लॉकवाइज, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर सेड टू, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लिबो रोटेटरी, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर म्यूजो कंपाउंड, म्यूजो कंपाउंड होगा यहाँ से गलती से मिस्टेक हो गया, तो 36 का जो 36 का राइट आंसर होगा सी वाला, ओके। स्टीरियो केमिकल लेवल आर एंड एस मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर ईच स्टीरियोजेनिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या स्टेटमेंट था हमारा, वो कायरल मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल माइट बी मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड होना चाहिए कायरल मॉलिक्यूल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का डी वाला। क्वेश्चन 40, हेक्सेन एंड 3 मेथिल पेंटेन आर एग्जांपल ऑफ। इसका स्ट्रक्चर बना के ही समझ में आएगा, तो जो किसके एग्जांपल होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा डी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मॉलिक्यूल गिवन बिलो, ये जो मॉलिक्यूल दिया गया ये क्या शो कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, इनमें से कौन सा पेयर सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग देखिए और अपना अपना आंसर नोट करते रहिए, इसका जो राइट आंसर होगा 42 का डी वाला, यानी जो थर्ड एंड फिफ्थ वाला है, मतलब ए वाला और ए वाला, ये दोनों सेम कंपाउंड है आपस में। ठीक, क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजो कंपाउंड, में से मेजो कंपाउंड कौन है, मेजो कंपाउंड आप लोग देखिए और पहचानिए, इसका जो राइट आंसर होगा 43 का ए वाला, यानी जो पहला ऑप्शन है ये मेजो कंपाउंड है, तो इसका आंसर टिक कर लीजिए 43 का ए वाला फर्स्ट। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए कायरल, तो ऐसे कंपाउंड आपको पेन कॉपी पे बना के, पेन से कॉपी बना के आप अच्छे से बता पाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का डी वाला। ठीक, ये एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट पजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं शो कर रहा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कंडीशन आपको पता है, आप उसको अप्लाई करिए, इसका राइट आंसर निकालिए, इसका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी जो ऑप्शन ए थर्ड है और ए फोर्थ वाला, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर टू ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पर वही इंगोल का रूल अप्लाई करिए, आर एन कॉन्फिगरेशन वाला, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 46 का सी वाला, यानी फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ जो है आर टू ब्यूटेनॉल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, 46 का सी वाला ऑप्शन। 47, कंपाउंड इज प्रॉपरली नेम्ड, नीचे दिए हुए कंपाउंड को आप प्रॉपरली नाम करिए उसी रूल के अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा डी वाला। ओके, 48, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर एस प्लस टू, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, और इस ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बेस्ड होते हैं और ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होना चाहिए और आप इसको लगा भी सकते हैं इसके न्यूमेरिकल को, तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 का बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड विथ सर्टेनिटी इफ ए कंपाउंड हैज अल्फा 25 बाय डी, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग निकालिए और इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, आप सब नोट करते जाइए, द कंपाउंड इज नॉट ए मेजो कंपाउंड, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिया क्वेश्चन में, एक कंपाउंड मेजो फॉर्म का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, पहले हम बता चुके हैं, और आप सारे स्ट्रक्चर को ड्रा करिए और ड्रा करने के बाद राइट आंसर निकल करेगा सेकेंड ऑप्शन बी वाला, ट्रांस 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन जो था ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा टॉप 50 एमसीक्यू कवर हो गया। आप लोग एक बार अच्छे से सारे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक यू।